अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? कल सुबह से रमजान शुरू हो रहा है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। आप लोग हम सबकी दुआओं में शामिल है, हम सबको अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह आप सबके रोजे कबूल फरमाए। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी है मटन, भुना हुआ मटन कह लें या फिर उसे कह लें मटन कढ़ाई कह लें। तो बहुत आसान रेसिपी है, इसको स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में गया ऑयल आधा कप, इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन जा रहा है पिसा हुआ, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा आपने इसको भून लिया 1 मिनट तक अदरक लहसुन को। अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ। तो हल्का सा भूनेंगे। इसमें मैंने हल्दी भी साथ ही डाल दी। एक मिनट 2 मिनट इसको इस तरह भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि आपका गोश्त कितनी जल्दी गलता है, तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डाला है। 1.5 कप पानी डाल के इसको अब गलने के लिए छोड़ दूँगी। लग रहा 1.5 कप भी कम होगा, 2 कप कर रही हूँ मैं इसमें पानी। मैंने 2 कप पानी डाल दिया और इसको अब मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और 20 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे। अंदाजे से मेरा है कि 40 मिनट इसको गलने में लगेंगे, तो 20 मिनट्स के बाद दोबारा वापस आते हैं। इसको चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं गला। थोड़ा सा और हो जाए, मुझे गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा गला हुआ अच्छा लगता है। तो 5 मिनट इसको और होने देते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। देखते हैं जी कि गोश्त गल गया कि नहीं। ये तकरीबन 35 मिनट्स हो गए इसको गोश्त को रखे हुए, और ये देखें गोश्त आराम से हो रहा है निकल रहा। तो अब इसमें मसाले डालने शुरू करते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले इसमें जा रही है कश्मीरी मिर्चें, पेपरिका, चिली पाउडर, धनिया पाउडर और सॉल्ट। मिर्चें और नमक हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। और अब इसको अच्छी तरह भूनें आप। मैंने यहाँ पे टमाटर पेस्ट यूज़ करी, पेस्ट सॉस नहीं, टमाटर पेस्ट है मेरे पास। आपके पास अगर नहीं है तो आप 3 टमाटर लेके उसको डाइस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट यूज करने वाली हूँ। थोड़ा सा मसाला और भुन जाए उसके बाद मैं इसमें डालूंगी। तो ये मेरे पास 1 टेबलस्पून जीरा था, वो भी इसमें जा रहा है ताकि ये भी अच्छी तरह से भुन जाए। और साथ ही इसमें मैं अब ये टमाटर पेस्ट जो है वो डाल रही हूँ। आधी डाली थी, आधी मैं दोबारा डाल ली। 1 टेबलस्पून डाला था, दूसरा 1 टेबलस्पून अब जा रहा है। देखें माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आ गया सालन का।
अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना दही शामिल करेंगे, जो कि मेरे पास आधा कप था, और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि दही जो है उनका वाइट रह जाता है या उसमें घुटनियाँ सी बन जाती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको अच्छी तरह भूने, नहीं तो उसको कांटे के साथ पहले आप फेंट लिया करें दही को और फिर डाला करें। लेकिन आप देखिएगा कि मैंने बगैर फिटा हुआ डाला था और बहुत अच्छा इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको भून लें और कमेंट करके बताएं कि आज आपने पहली इफ्तारी में क्या बनाया, क्या खिलाया अपनी फैमिली को, कमेंट करके बताएं। आप देखें कि ये दही अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तो आप इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा दही करके डालना है ताकि वो अच्छी तरह से भूनता जाए और मिक्स होता जाए। गोश्त तो क्योंकि गल चुका है, इस तरफ ये जो भुना हुआ गोश्त होता है या कढ़ाई होती है उसकी सिर्फ फ्राई करने का काम होता है, उसको खाली भूनने का काम होता है। जब तक आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह भुनेगा नहीं तो उसका फ्लेवर, वो टेस्ट कुछ नहीं आएगा। और अब ये मेरा आखिरी भी जा रहा है, चलें जी। गोश्त देखें बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है और अभी आप इसको जितना चाहते हैं उतना ड्राई कर लें। तो चलें इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। और कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ मैं इसमें, 2 टेबलस्पून मेरे पास, जिसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ। इनकी बहुत अच्छी स्मेल आती है, खासतौर पे अगर आप चिकन की भी वो बना रहे हो, क्या कहते हैं कढ़ाई, तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो ट्राई कीजिएगा आप इसको डाल के ऐसे, और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर मैं भून लूँ। और इस टाइम पे आप अपना प्लीज़ सॉल्ट चेक कर लें, अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो उसमें ज़रूर शामिल करें इसको। 3 हरी मिर्चें मैंने डाली है इसमें, इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए मिर्चों का। मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं डालना तो प्लीज ना डालें, लेकिन ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। और अगर कैलोरीज काउंट करने हैं तो प्लीज नहीं डालिए। घी अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें, और बस मैं इसको बंद करूंगी जैसे घी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। चने जी टाइम टू टर्न इट ऑफ। और ये मैंने इसमें आधा धनिया डाल दिया, आधा मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है, थोड़ा सा मैंने अदरक डाल दिया है, मैं फ्रेश स्लाइस किया हुआ थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है। और रेसिपी होगी ये तैयार। अब मैं इसे ऑफ कर रही हूँ, टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कल से हो सकता है मैं टेस्ट टेस्ट ना कर सकूँ क्योंकि अर्ली वीडियो बनाऊंगी। तो आज आप देख लें कि ये टेस्ट कैसा बना है। टाइम टू टेक आउट द सालन। आप सोचें लेडीज के लिए कितना मुश्किल है रमजान में बनाना और फिर खाना, और आपने खाना नहीं उस वक्त।
चलें आपका फेवरेट टाइम आ रहा है अब। चलें जी आपका सबसे फेवरेट टाइम टेस्ट टेस्ट का, और ये गरम है और गरम मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो ये उजैर करेगा। सो गुड। चलें बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज।